हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी लाइव। माय नेम इज शिल्पी। जल्दी जल्दी आ जाएंगे सारे बच्चे, जुड़ जाएंगे केडी लाइव के साथ। जल्दी जल्दी सेशन को शेयर कर लो। वैसे भी हम थोड़ा सा लेट हैं, लेकिन कोई नहीं, जल्दी जल्दी आप सेशन को शेयर कर देंगे और लाइक कर लेंगे और ज्वाइन कर लेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करेंगे आज आपकी क्लास। और 2 से 3 मिनट आपको रोज दिया जाता है बच्चों कि आप सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो, तो फटाफट कर दो, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे जल्दी जल्दी जल्दी। ओके चल, हाँ तो कौन है भाई, फटाफट दिखाओ एक बार अपनी शक्ल वकल, कमेंट वमेंट कर दो, दो चार है बातें बातें कर लें आपसे। चलिए तो सबसे पहले आज है रितु मीना, बहुत दिनों के बाद आया, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। फिर अपने प्यारे दुलारे पिंटू मिंटू चिंटू। फिर है हेमलता, गुड इवनिंग, हैप्पी वाला गुड इवनिंग हेमलता। उसके बाद में है नीति गहलोत, गुड इवनिंग गुड इवनिंग हेलो। उसके बाद में कौन है, जल्दी जल्दी आओ भाई, फटाफट कमेंट करो, ठीक है। तो देखो बच्चों, हाँ अंकित, जय हिंद जय हिंद अंकित। चलिए दीपक है, गुड इवनिंग दीपक गुड इवनिंग। चलो तो देखो बच्चों, अगर हम बात करें, आ जाइए रिया आ जाइए, तो आज आपके लिए टॉपिक क्या है बच्चों, पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जो एक स्टडी आई है, जो एक रिसर्च आया है, क्या आपके खून में भी प्लास्टिक है बच्चों? बहुत चौंकने वाली बात है। हालांकि जब मैंने भी फर्स्ट टाइम ये पढ़ा तो मैं भी बहुत चौंक गई थी। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि ये प्लास्टिक हमारे ब्लड में कैसे आ गया, क्या है ये टॉपिक, ये सारी चीज आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जैसे हम रोज अपना प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, वैसे हम अपना प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ठीक है। मैं कहूंगी 15 से 20 मिनट हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, उसके बाद में हम अपने प्रैक्टिस सेट पे आ जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी शेयर कर देंगे जल्दी जल्दी। यस, हेमलता का तो अभी से आना शुरू हो गया है, और सूजी एंड लियो आ गए हैं, इनका भी आप जो है थोड़ा सा स्वागत वागत कर लो तुम। चलिए संजना गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मनीषा गुड इवनिंग, तुम भी हो, ठीक है, आ जाइए। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखो बच्चों, जैसे आपके यहाँ लिखा हुआ है, क्या आपके खून में प्लास्टिक है, क्या आपके भी रक्त में, क्या आपके भी ब्लड में प्लास्टिक है? यस बच्चों, ऐसी एक स्टडी आई है, एक ऐसा रिसर्च हुई है, एक ऐसा जहां पर हमारे ह्यूमन के ब्लड में प्लास्टिक मिला है, ठीक है। और वो कौन से लोग थे, क्या उन्होंने गलतियां की हैं, या क्या हम गलतियां कर रहे हैं कि जिसके कारण हमारे भी ब्लड में प्लास्टिक पाया जा सकता है, हर एक बातों पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको सेशन को शेयर और लाइक करते रहना है। तो देखो बच्चों, ये एक स्टडी आई है, एक रिसर्च हुआ है, जो आपके यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम में, ये जो है हम कहेंगे रिसर्च हुआ है, जिसमें क्या रिसर्च किया इन्होंने, इन्होंने बच्चों एक स्टडी की किसके ऊपर, तो इन्होंने अगर मैं बात करूं तो इस यूनिवर्सिटी के मेडिकल सेंटर में, इस यूनिवर्सिटी के मेडिकल सेंटर में एक रिसर्च हुआ, जिसमें इन्होंने कितने लोगों को, तो मैं कहूंगी 22 लोगों को, ठीक है। कितने लोगों को, अरे रुको भाई, इन्होंने 22 लोगों को बच्चों, अलग अलग 22 लोगों को क्या किया, इकट्ठा किया, फिर उनका क्या लिया, ब्लड सैंपल लिया 22 लोगों को उन्होंने क्या किया, इकट्ठा किया, उसके बाद में उनका ब्लड सैंपल लिया, और जब बच्चों उन्हें उनका क्या किया गया, उन पे सर्च किया गया, उसकी स्टडी की गई, तो वहां पर 17 लोग ऐसे मिले कि जिनके ब्लड में क्या पाया गया, प्लास्टिक के कण, माइक्रो प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक के कण, माइक्रो प्लास्टिक। जो अगर हम बात करें, तो जो प्लास्टिक का कण बच्चों, वो 700 नैनोमीटर से बड़ा है, ठीक है, 700 नैनोमीटर से बड़ा है, ऐसे कण जो है इनके ब्लड में मिले। कितने लोगों के, तो बच्चों अगर 22 पे किया गया था ये रिसर्च, तो 17 लोगों के खून में प्लास्टिक मिला। क्या मिला, प्लास्टिक मिला। अगर हम बात करें बच्चों, जो ये 17 लोग थे, कैसे कैसे प्लास्टिक मिले हैं, तो देखो 8 लोगों के खून में क्या मिला है आपका, पॉलीथीन, ठीक है, तो पॉलीथिलीन। देखो अगर हम बात करें ये प्लास्टिक कहाँ यूज होता है, तो बच्चों ये प्लास्टिक जो आप, जिसमें आप पानी पीते हैं, ठीक है, जो आपकी बॉटल्स है, वॉटर बॉटल्स, ठीक है, जिसको आप मान के चलते हैं कि इसमें जो आप पानी खरीदते हैं, ठीक है, यहाँ पर पानी रखा है, तो मैंने भी सोचा है कि अब मैं बहुत कम करूंगी। तो देखो बच्चों, जिससे हमारी बॉटल बनती है, वॉटर बॉटल, और हम मान के चलते हैं कि जो हमारी क्लोज बॉटल है, तो इसमें 100% प्योर वॉटर है, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बच्चों 8 लोगों के खून में ऐसी प्लास्टिक मिली कि जिससे बॉटल बनती है, ठीक है, टोटल 17 लोग मिले हैं। 4 लोगों के खून में ऐसी प्लास्टिक मिली बच्चों, जिससे क्या बनते हैं, जो आपके कैरी बैग्स वगैरह होते हैं वो बनते हैं। और 5 लोगों के खून में बच्चों ऐसे प्लास्टिक मिले हैं जिनसे क्या बनता है, जिनसे जो आप चिप्स खाते हो, अंकल चिप्स है ना, जो आप चिप्स खाते हैं, लेज खाते हैं, या बिस्किट खाते हैं, उनकी जो पैकेजिंग होती है, ऐसे प्लास्टिक आपके जो है ह्यूमन ब्लड में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन ब्लड में प्लास्टिक मिल रहे हैं। लेकिन हम बात करें कि मैम क्या हमारे ब्लड में प्लास्टिक हो सकता है, यस,
आपके भी ब्लड में प्लास्टिक हो सकता है। देखो बच्चों, ये जो पाया गया है, ये जो 17 लोग ऐसे हैं कि जिनके ब्लड में प्लास्टिक पाया गया है, ये कुछ ऐसे लोग थे जो अपनी डेली यूज में, मतलब मैं कहूंगी कि डेली लाइफ में या रोजमर्रा की जो उनकी लाइफ है, जीवन है, उनका जिंदगी है, उसमें वो क्या यूज कर रहे थे बच्चों? ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक यूज कर रहे थे। ठीक है, इस तरीके से वो जो भी आपके प्लास्टिक की चीजें होती हैं, तो वो स्टील या मेटल या मैं कहूंगी और सारी चीजों को छोड़ के, वो पूरा का पूरा किस पे डिपेंड है? प्लास्टिक पे डिपेंड है। तो उनके जो है खून में जो है, अगर हम बात करें कि प्लास्टिक मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है, तो अगर आप भी अगर इनमें से हैं कि आप बहुत ज्यादा प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, हर चीज में प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक, तो बच्चों आपको भी अपना ब्लड टेस्ट करवा लेना चाहिए। देखो अब जैसे मुझे यकीन है कि देखो भाई, ये पानी तो हम सारे ही पीते हैं प्लास्टिक की बॉटल्स में, तो बच्चों कुछ लोग ऐसे मिले हैं जिनके पेट में कौन सी प्लास्टिक पाई गई है जिससे बॉटल्स बनाई जाती है, या मैं कहूंगी बहुत से ऐसे, देखो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ठीक है, इसमें भी प्लास्टिक, हर जगह हमारे जीवन में प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक। या बच्चों मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आप लोगों में से, मैं कहूंगी 95% बच्चे ऐसे होंगे, ठीक है, जो क्या करते होंगे, जो प्लास्टिक के डब्बे में अपनी खाने की चीजें रखते होंगे, ठीक है, या जो उनका लंच बॉक्स है वो प्लास्टिक का होगा। तो बच्चों इन सब चीजों से बचो, नहीं ये बहुत बड़ी बात नहीं कि जब आप अपना ब्लड चेक करवाए तो उसमें प्लास्टिक निकल जाए। ठीक है, बिल्कुल निकल सकता है अगर आप इस तरीके से प्लास्टिक की चीजों में खाना बंद नहीं करेंगे तो। ठीक है, आपको अभी से अपनी आदतें क्या करनी है, सुधारनी है। बच्चों क्या दिक्कत, अगर आपके बॉडी में प्लास्टिक चला गया तो क्या उससे दिक्कत आ रही, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए अगर हम थोड़ा सा आगे आपको और ले चले, तो देखो बच्चों ये देखो, ये एक आपको मैं कहूंगी कि ये एक पक्षी है जो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन पे पाया जाता है, एक समुद्री पक्षी है। ठीक है, ये नॉर्थ जो है पैसिफिक ओशियन पे ये पक्षी पाया जाता है, जिसका नाम है एल्बेट्रोसिस। ठीक है, एल्बेट्रोसिस इस पक्षी का नाम है। देखिए कितना खूबसूरत है ये पक्षी, ठीक है, कितना ज्यादा खूबसूरत है। पर बच्चों अगर ये फोटो मैं आपको दिखाऊंगी तो आप डर जाएंगे, अगर ये फोटो मैं आपको दिखा दूं तो आप डर जाओगे, इस तरीके से ये प्लास्टिक खाते हैं। जो भी आप इस तरीके से चिप्स बॉटल्स ये सारा कूड़े कचरे में फेंकते हैं बच्चों, तो उससे ये पक्षी इस तरीके से इसे खा लेते हैं। कितने प्यारे पक्षी हैं, और देखो इनकी मरने के बाद हालत, देखो इनकी मौत हो गई और इनके पेट में देखो आप क्या मिला है, इस पक्षी के पेट में आप देख सकते हैं कि देखो क्या क्या है, ढक्कन है, बॉटल्स की ढक्कन पाई गई है। ठीक है, देखिए कितनी सारी प्लास्टिक की चीजें इसके पेट में मिली है, देख रहे हैं। तो क्या आप भी इतना जो है आप ये ऐसा करेंगे, अगर आप पे आपको इन पे थोड़ी सी दया आ रही हो, ठीक है, आप अपने इकोसिस्टम को, अपने एनवायरमेंट को थोड़ा सही रखना चाहते हैं, तो आज से आपको कसम खा लेना चाहिए कि आपको प्लास्टिक बहुत कम यूज करना है। ठीक है, आपको प्लास्टिक बहुत कम यूज करना है। ठीक है जी, समझ, इससे आपको समझ में आ सकता है कि देखो पक्षी पूरा मर गया है, ठीक है, पक्षी पूरा खत्म है, इसकी बॉडी पूरी खत्म है, लेकिन अगर मैं कहूँ प्लास्टिक सारी की सारी, जितनी प्लास्टिक इसने खाई थी बच्चों, सारी की सारी प्लास्टिक ऐसे ही पड़ी हुई है, प्लास्टिक में कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई है, देख रहे हैं। तो आप इस फोटो को देख के समझ सकते हैं कि भाई प्लास्टिक, अगर इनके पेट में प्लास्टिक ऐसे के ऐसे रखा हुआ है, तो प्लास्टिक आपके पेट में ना मिल जाए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हम कहें कि मैम ये प्लास्टिक हमारी दुनिया में आया कैसे, मतलब हम तो बिना प्लास्टिक के भी रह सकते थे, फिर ये प्लास्टिक हमारी दुनिया में आया कैसे, कैसे हम प्लास्टिक से इतने फ्रेंडली हो गए, अगर हम इन सब बातों पे डिस्कस करना चाहें, ठीक है, अगर हम इन सब बातों पे डिस्कस करना चाहें कि ये प्लास्टिक मतलब कैसे हमारी लाइफ में इतना जो है आ गया, तो देखो बच्चों इन्हें हम क्या कहें, ये हमारे जो है बेहद अल्टीमेट कहूंगी मैं, बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें फादर ऑफ प्लास्टिक इंडस्ट्री भी कहा जाता है। बच्चों ये क्या, इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम इन्होंने ही क्या बनाया था, प्लास्टिक बनाया था फर्स्ट टाइम इन्होंने, कौन सी प्लास्टिक, बैकेलाइट। ठीक है, कहाँ पे है आपका, हाँ ये रहा बैकेलाइट, कौन सी प्लास्टिक, बैकेलाइट प्लास्टिक आपके फर्स्ट टाइम जो है अगर मैं कहूंगी तो इन्होंने कब बनाया, 1907 में बनाया था। ठीक है, इन्होंने ही बच्चों प्लास्टिक बनाया। होता क्या था कि पहले के जो लोग है बच्चों
वो क्या करते थे, वो जैसे मैं कहूंगी जो नेचुरल रिसोर्सेस आपके होते हैं, ठीक है, जैसे आपका मेटल हो गया, या देखो कई सारी चीजें आप बोन्स की भी बनाई जाती है, हड्डियों की बनाई जाती है, या स्टोन पत्थर के। तो पहले के लोग क्या करते थे, अपनी जो भी चीजें होती थी वो प्लास्टिक नहीं यूज करके बच्चों मेटल यूज करते थे, स्टोन यूज करते थे, बोन्स वगैरह से बहुत सारी चीजें बना लेते थे। तो वो चीजें बच्चों आसानी से मैं कहूंगी डिस्ट्रॉय हो जाती है, या वो आपके इकोसिस्टम का ही पार्ट होती है कहीं ना कहीं। लेकिन जो प्लास्टिक है बच्चों, ये आपके इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है। और क्या हुआ कि प्लास्टिक बच्चों बड़े इजीली सबको मिलने लगा, ठीक है, जब इन्होंने फर्स्ट टाइम प्लास्टिक बना दिया तो वो प्लास्टिक बहुत इजीली बच्चों सबको मिलने लगा। इसलिए सब जो भी मानव है सब क्या हो गए, सब प्लास्टिक से बहुत ज्यादा क्या हो गए, उससे बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो गए। अगर मैं बात करूं बच्चों कि प्लास्टिक का, अगर आपका जो प्लास्टिक है ये याद रखना, ये कभी भी बायोडिग्रेड नहीं होता है, प्लास्टिक आपका बायोडिग्रेड नहीं होता है। जो कितना लाइफ होता है इसका, ये देखो जो पतली सी आपकी प्लास्टिक बैग है बच्चों, देखा देखिए आप, जो पतला सा आपका प्लास्टिक बैग है ये 20 साल बाद कहीं जाके ये डिस्ट्रॉय होगा। हम बात करें कॉफी कप तो इसको 30 साल लग जाता है। और देखो बच्चों अगर हम बात करें जो आपका प्लास्टिक टूथ ब्रश है तो बच्चों इसको कितना टाइम लग जाता है, तो इसको हमें कहूंगी 100 साल से लेके बच्चों 1000 साल लग जाता है, ठीक है, 100 से लेके 1000 साल लग जाता है इनको बायोडिग्रेड होने में। तो देखो बच्चों अगर ऐसे अगर आप जो है बहुत ज्यादा प्लास्टिक यूज करने लगे तो फिर क्या होगा, एक दिन इतना प्लास्टिक यूज करोगे कि मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। अभी आपके ब्लड में क्या है, कुछ ही लोगों के ब्लड में पाया जा रहा है, फिर जितने टेस्ट होंगे सबके क्या होगा, सबके सबके ब्लड में ही क्या पाया जाएगा, प्लास्टिक पाया जाएगा। अब आप क्या करते हैं, आप इस तरीके से सारी चीजें कूड़े या किसी भी चीज को ऐसे ही फेंक देते हैं, ठीक है, खुले में फेंक देते हैं, फिर वो क्या होता है बच्चों आपके एयर में मिलता है, आपके पानी में, समुद्र में, हर जगह क्या है प्लास्टिक 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 हो जा रहा है। अगर हम बात करें तो ये देखिए, आप प्लास्टिक इस तरीके से फेंकेंगे, ठीक है, अब इसे पिक खाएगा, इसे पिक खाएगा, या फिर इसी प्लास्टिक को फिश खाएगी, इसी प्लास्टिक को फिश खाएगी, ठीक है। और जब इसी प्लास्टिक को बच्चा फिश खाएगी, फिर फिश को बहुत लोग खाते हैं, फिर ये प्लास्टिक फिश के पेट में जाएगा, फिर वही प्लास्टिक आपके पेट में चला जाता है। और यही रीजन नहीं है बच्चों, प्लास्टिक की अगर मैं बात करूं तो प्लास्टिक के बहुत सारे रीजन है बच्चों, प्लास्टिक के बहुत सारे रीजन है कि आपके ब्लड में कैसे प्लास्टिक गया। बहुत लोग टैटूज बनवाते हैं ना, जो टैटू अगर आप बनवाते हैं बच्चों तो उसके थ्रू भी देखा गया है कि प्लास्टिक जो है वो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है आपके ब्लड में, आपके उसके थ्रू जाकर आपके ब्लड में क्या हो रहा है, मिल रहा है। या जो ज्यादा कॉस्मेटिक यूज करते हैं, जो लोग ज्यादा कॉस्मेटिक यूज कर रहे हैं, तो जो क्लिंजर वगैरह होता है बच्चों उसमें भी आपके माइक्रो प्लास्टिक मिले होते हैं, तो वहां से भी वो आपके ब्लड में मिल जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, डन। तो आप कैसे अपने आप को संभाल सकते हैं, कैसे बच्चों प्लास्टिक का कम यूज कर सकते हैं, सबसे पहली बात की अपनी वाटर बॉटल बदलो। देखो जो यहाँ पर बच्चों 22 लोगों में से 17 लोग मिले हैं ना, 17 लोग मिले हैं कि जिनके पेट में प्लास्टिक पाया गया, जिनके खून में प्लास्टिक पाया गया बच्चों, वो गर्म पानी पीते थे। सबसे पहली बात, तो कभी भी आप प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी नहीं पिएंगे, कभी भी आप प्लास्टिक की बोतल में ना तो गर्म पानी पिएंगे। अब जाके बाहर से आप प्लास्टिक का वो बैग होता है उसमें आप खाना पैक करवा के लाते हैं गर्म गर्म, कभी भी आप प्लास्टिक के बर्तन में ना गर्म खाना खाएंगे और ना उसमें गर्म पानी पिएंगे और ना प्लास्टिक के बर्तन में कुछ भी गर्म करेंगे, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपके ब्लड में क्या हो, आपके ब्लड में प्लास्टिक ना जाए। आप अपना लंच बॉक्स जो भी है वो स्टील का रख लीजिए, ठीक है। आप चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, वो आप जो है कुल्हड़ में पी लीजिए, समझ रहे हैं, या फिर आप जो है जो बैग, आप पॉलिथीन वगैरह जो है उसको बच्चों रीयूज करिए, उसको बार बार यूज करिए, ये नहीं कि उसको फाड़ के फेंक दीजिए फिर आप दूसरा ले आइए। जितना कम हो सके, जितना आप अपने एनवायरमेंट के लिए कर सकते हैं आप करिए, ठीक है, डन। नहीं तो अगर आपके ब्लड में प्लास्टिक मिल गया तो होगा क्या बच्चों, तो पहली बात तो देख लिया ना कि उस पक्षी का क्या हाल हुआ था, कि जब उसके पेट में कितने सारे प्लास्टिक मिले थे। और बच्चों क्या होगा, तो सबसे पहले आपको कैंसर हो सकता है, ठीक है, सबसे पहले अगर आपके ब्लड में प्लास्टिक पाया गया तो आपको कैंसर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा बच्चों, आपको पता है आजकल हार्ट अटैक कितना चर्चे में है, कितने नौजवान हार्ट अटैक से मर रहे हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि आपके ब्लड में माइक्रो प्लास्टिक का होना, ठीक है, बिल्कुल आपको हार्ट अटैक आ सकता है अगर आपके क्या है, अगर आपके खून में बच्चों क्या है प्लास्टिक का। तीसरा अगर हम बात करें तो बच्चों आपको हाइपरटेंशन हो सकता है, ब्लड क्या होगा,
प्लास्टिक आपके खून में जाएगा, उसकी डेंसिटी को बढ़ाएगा और आपको क्या हो सकता है, आपको बच्चों हाइपरटेंशन हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, और देखो बच्चों मुझे एक बात बताओ, ऐसा कौन सा ऑर्गन है, ऐसा कौन सा अंग है आपके बॉडी में जहां खून नहीं जाता है। लीवर, किडनी, ये सब क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर करने में इनका काम लिया जाता है। तो बच्चों ये तो सबसे पहले खराब हो जाएंगे, और अगर एक बार तुम्हारी किडनी खराब हो गई बच्चा तो सब खराब है मामला, ठीक है, क्योंकि आपके ब्लड से जो इम्प्योरिटीज होती है कहीं ना कहीं किडनी निकालती है, एक बार किडनी गई सब मामला खराब है। तो बच्चों आज से प्रॉमिस आप कर सकते हैं, देखो मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ बच्चों, पहले मैं भी लंच अपना प्लास्टिक के जो प्यारा सा मेरा बॉक्स था, मेरा फेवरेट था, मैं उसमें लाती थी, लेकिन मैंने चेंज कर दिया, ठीक है, ओके। तो आपको भी अपने अंदर, अपने अंदर कुछ आदतें सुधारनी है तो आप ऐसे ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है, अपने लिए, अपने एनवायरमेंट के लिए, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए। तो मुझे लगता है कि सब बच्चों को समझ में आ गया है, अगर सब बच्चों को समझ में आ गया है, और जितने बच्चे ऐसे हैं कि जो अब क्या करेंगे भाई, प्लास्टिक को नो कर देंगे, से टू नो प्लास्टिक, तो जल्दी से सब बच्चे शेयर करेंगे, ठीक है। देखो बच्चों कुछ नहीं तो इन पर दया करो, कैसे देखो पॉलिथीन को खाएगी, ठीक है। तो सब बच्चे क्या करेंगे, जल्दी से लाइक करेंगे सेशन को अगर उनको इतनी जानकारी समझ में आई, और आ जाएगा आज का तड़कता भड़कता पहला क्वेश्चन। अगर आपको इतनी बातें जो मैंने बताई है अगर समझ में आ गया है, यस यस बोल रहे हैं, तो फटाफट लाइक कर देंगे, ठीक है। अगर इतनी चीजें समझ में आ गई है तो फटाफट लाइक करेंगे, फिर हम आज का अपना पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, जल्दी से बताओ, डन। चलिए यस, आप कम करिए, आप अपनी मम्मी को कहिए, ठीक है, मेरे घर वाले कह रहे हैं तुमने क्या खा लिया, ठीक है, कोई भी प्लास्टिक यूज कर रहा है, मैं नहीं नहीं करना है, ठीक है, तो सारे कह रहे तूने क्या खा लिया बताओ, ठीक है, चले आगे आ जाइए। तो बेशक वो आपको भी बोले कि तुमने भी क्या खा लिया, बोला हमने खाया कुछ नहीं, हमने शिल्पी मैम की क्लास देखी है, डन। चलो ओके बच्चों, तो इन्वायरमेंट डे से, ठीक है, आप जो है ये एक सीख ले सकते हैं कि हम अपने रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छा करेंगे, अपने इन्वायरमेंट को, ठीक है। चलो आ जाइए, अब आज का पहला तड़कता भड़कता क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, द लीवर ऑयल ऑफ द फिश इज रिच इन, मछली के जिगर में जो तेल होता है वो किस चीज के लिए रिच होता है, किस चीज के लिए जो बच्चों प्रचुर मात्रा में है, विटामिन डी और ए, विटामिन ई, विटामिन ए, क्या होता है जो आपके मछली के लीवर में भर भर के होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी चलो, चलिए जल्दी जल्दी, ओके कर दिया लाइक, चलो भाई ठीक है, चलिए ठीक है, क्या आंसर आना शुरू हो रहा है, वन बी के साथ बच्चे जाना कर। तो बच्चों देखो क्या, जो मछली है, मछली के लीवर में विटामिन डी भी बहुत मात्रा में पाया जाता है और विटामिन ए भी, तो अगर हम कहें तो बोथ, बी ऑप्शन इज द राइट, बोथ विटामिन डी एंड विटामिन ए, ठीक है, मछली का जो आपका लीवर है उसमें विटामिन ए भी पाया जाएगा और विटामिन डी भी पाया जाएगा। और देखो बच्चों ऐसी बहुत सारी जानकारी अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए बार बार लाया जाए, तो बच्चे जो है कमेंट जरूर क्या करें कि यस मैम हमें जो है प्रैक्टिस सेट से पहले 10-15 मिनट ऐसी जानकारियां चाहिए, तो मैं रोज ले आऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बच्चों बी ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही नहीं है, ये गलत लगा हुआ है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, पौधों में कोशिका भित्ति बनने वाला जटिल कार्बोहाइड्रेट कहलाता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट Which makes up cell wall in plants are called, क्या कहा जाएगा, जिससे आपकी क्या बनी होती बच्चों, सेल वॉल बनी होती है किसकी, प्लांट्स की। हमारे अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती, हमारे अंदर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, या हम इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है, किसकी बनी होती है बच्चों, तो ये बनी होती है, आपको याद रखना है, लिपिड्स की, फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। सेल वॉल किसकी बनी होती है, कितने बच्चे आंसर कर रहे हैं, यस बहुत सही आंसर, सेल्यूलोज इज द राइट आंसर। क्या होता है कि जो सेल वॉल है आपके प्लांट्स का वो किसका बना है बच्चों, सेल्यूलोज का बना है, यस बहुत अच्छा, यस सेल्यूलोज बिल्कुल, पिंटू, राकेश, अमन, आयुष, मुस्कान, रितु, मनीषा, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। चल नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है, बताइए, डीपीटी, ट्रिपल एंटीजन का नाम है डीपीटी, ठीक है, तो इसका मतलब ये तीन बीमारियों से रक्षा करता है, डी की फुल फॉर्म बताओ, पी की फुल फॉर्म बताओ, टी की फुल फॉर्म बताओ, कौन सी एक बीमारी है जो आपका डीपीटी जो इंजेक्शन वो काम नहीं करेगा, कौन सी ऐसी बीमारी है जिसके ऊपर जो आपका डीपीटी इंजेक्शन है बच्चा वो काम नहीं करेगा, जल्दी सबसे पहले आंसर कौन करेगा, विक्रम ने कर दिया है टाइफाइड, ओके
उसके बाद में अनु चौधरी है ए, मनीष जी है बी, संजना जी है बी बी बी, सारे बच्चे बी के साथ जा रहे। एक बार देखे तो बी क्या है, तो देखो बच्चों डीपीटी इंजेक्शन किस पे काम करेगा, तो बिल्कुल सही आंसर सबसे पहले डिप्थेरिया, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, डिप्थेरिया आएगा। उसके बाद में जो काली ऊफिंग कफ है इसी को हम पर्टुसिस कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, काली खांसी को ही पर्टुसिस कहते हैं। और टी से आपका क्या आ जाएगा, टेटनस आ जाएगा, यानी यहाँ पे टाइफाइड इज द राइट आंसर। टाइफाइड बच्चों डीपीटी का जो इंजेक्शन है वो टाइफाइड में काम नहीं करेगा। डन मामला। चलिए लाइक करते चलेंगे भाई, बच्चा पार्टी लाइक करते चलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कुछ ऐसे, कह रहा है तुम्हारा हाल क्या है। अगर वो पूछ ले हमसे हमारा हाल क्या है, ठीक है बताओ आगे, तुम बता दो, तुम्हें तो कई बार सुना रखा है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिल्क प्रोटीन, बताइए जल्दी से, मिल्क में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। शुगर तो लैक्टोज पाई जाएगी, ठीक है, विटामिन सी नहीं पाया जाता है, याद रखना, इसीलिए कंप्लीट फूड नहीं मानते हैं। और आपका आयरन भी पाया जाता है, इसकी डेफिशिएंसी होती है, इसकी कमी होती है किसमें, तो आपके मिल्क में। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा, जल्दी। 4A मनीषा, और कोई, चलिए कैरासीन, 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 कैसीन, 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 अच्छा कैसीन है, चलो ठीक है, कैसीन कैसीन कैसीन, यस बच्चा पार्टी कैसीन इज द राइट आंसर, ठीक है। और याद रखो 100 लाइक रोज करते हो तुम, तो आज भी करना है। अगर आप 100 लाइक रोज कर रहे हैं तो आज कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप आज भी कर सकते हैं बड़े प्यार प्यार से, ठीक है बच्चे, तो कर दो, ठीक है, कोई पाप वाप नहीं लगेगा तुम्हें, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या आंसर है। कैसीन सभी बच्चों का सही है, यस बिपिन, यस सीमा, यस। ये क्या है, कूलर कौन सा आ गया भाई, है एसी बता जाना। चलो नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, पौधों के किस भाग से प्रकाश संश्लेषण होता है, इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, जल्दी। पौधों के किस भाग से बच्चों फोटोसिंथेसिस होता है, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो तो मैं कहूंगी पौधों का खाना नहीं बनेगा, तो जल्दी। यस अमन कह रहे बच्चा पार्टी, बिल्कुल भाई तुम बच्चा पार्टी हो, है जल्दी से। यस बहुत अच्छा, विक्रम ने आंसर देना शुरू कर दिया है, और कोई, संजना ने भी आंसर किया है अपने हिसाब से, और मैं कहूंगी भेड़ चाल मत चलना, मैं कहूंगी भेड़ चाल मत चलना, नहीं ये मत कहना कि मैम हमने गलत कर दिया, भेड़ चाल चलोगे तो गलत हो जाएगा, और ज्यादा भावुक मत होना। चलिए विपिन क्या होगा, रिशु, चलो रिशु कितना प्यारा सा नाम है, रिशु है ना। उसके बाद में मुस्कान, फरीन, चलिए सीमा, दीपक, रिया, रिशु, विपिन, अनु, सब मतलब अलग आंसर आ रहा, तो इसमें जिसने आंसर किया लीफ एंड क्लोरोप्लास्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ क्लोरोप्लास्ट आएगा बच्चे, देखो लीफ के साथ स्टेम भी था, स्टेम नहीं आएगा, आपका जो सबसे बढ़िया आंसर है वो क्या है, आपका लीफ एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ए जितने बच्चों ने कहा वो अपने लिए चाहे हेमलता है, और कौन बताया है, चलिए हेमलता, बिपिन, ठीक है, जितने बच्चों ने, रितु मीना, ठीक है, जितने बच्चे ए के साथ जा रहे हैं वो अपने लिए ताली बजाएंगे, डी वाले एक बार थप्पड़ मार लेंगे, ठीक है, बिना किसी गलती के फटाफट थप्पड़ मारेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है पेप्सिन, पेप्सिन इज अ एंजाइम, ठीक है, पेप्सिन एक एंजाइम बच्चों जो कहां से सिक्रेट होगा, क्या करता है, तो पी फॉर पेप्सिन और पी फॉर प्रोटीन, ये प्रोटीन के पाचन में मदद करता है, प्रोटीन के पाचन में जो आपका एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाता है वो आपका पेप्सिन है। और ये कहां से निकलेगा, लीवर से निकलेगा, माउथ से निकलेगा, किडनी से निकलेगा, स्टोमक से निकलेगा, फटाफट जल्दी। चलो तो जो है 50 के बहुत करीब हैं हम, 50 लाइक के बहुत करीब हैं हम, मुझे अपनी जो है बेहतरीन नजरों से दिख रहा है कि अगर कितने 6 बच्चे और लाइक करेंगे तो अपने पास 50 लाइक आ जाएगा, ठीक है, जल्दी से लाइक कर देंगे फटाफट, जल्दी जल्दी। यस बच्चों पेप्सिन जो है प्रोटीन को पचाता है, और जो है अगर हम बात करें तो ये स्टोमक यानी पेट से, पेट में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है बच्चा वहां से निकलता है, जठर ग्रंथि से निकलता है, बिल्कुल सही आंसर है आपका, स्टोमक इज द राइट आंसर, चलिए डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है, पौधों की पत्तियों में, पौधों की पत्तियों में रंध्रों के द्वारा जल की हानि कहलाती है, सीधा आपसे पूछा जा रहा है जो बच्चों क्या होता है कि जो जब क्या हो जाता है इनमें वाटर एक्सेस हो जाता है, तो ये अपने अंदर से आपने देखा होगा कई बार पत्तों से पानी टपक रहा होता, कई बार सुबह सुबह जाना तो जो पौधे होते हैं उनके पत्तों से पानी टपक रहा होता, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए उस क्रिया को हम क्या कहेंगे। तुम ही हो आंसर दिया है पेट, बिल्कुल तुम्हारा निकला हुआ पेट, बिल्कुल सही है।
कर दो अच्छा बच्चा हो। नहीं, अच्छे बच्चे होते तो कहने की जरूरत पड़ती है, तुम वही हो जो मैं तुम्हारा एक नाम रख रखा ना मैंने, और तुम्हें बड़ा मजा आता है, तुम वही हो। जल्दी से, यस, बहुत सही, सी सी सी, यस बच्चों, यहाँ पे वास्को सर्जन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपको याद रखना है सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, एक फूल में स्त्री केसर के स्टेट्स को कहा जाता है, क्या पूछा जा रहा है आपसे, पूछा जा रहा है द टॉप ऑफ द पिस्टल इन अ फ्लावर इज टर्म्ड एज। देखो अगर हम बात करें तो ये फ्लावर है, ठीक है, ये आपका फीमेल वाला पूरा का पूरा पार्ट होता है, ठीक है, तो पूछा जा रहा है ये जो टॉप पार्ट है बच्चा इसे क्या कहते हैं, ठीक है, यहीं से अगर हम मैं मेल पार्ट बनाऊं तो इसे बच्चों एंथर कहते हैं मेल पार्ट में, और इसे फिलामेंट कहते हैं, ठीक है, फिलामेंट कहते हैं, और इसमें ऐसे पाउडर सा भरा होता है जिसे पोलन ग्रेन कहते हैं, जिसे पोलन ग्रेन कहते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए ये जो फीमेल वाला पार्ट है तो इसे क्या कहते हैं, जो टॉप पॉइंट है, टॉप पॉइंट ऑफ द फीमेल। यस यस, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल दिल खुश कर दिया आज तुमने, ठीक है, बेशक आज तुम लाइक करके मत जाना पर तुम्हारे आंसर ने दिल खुश कर दिया आज, ठीक है। चलो आज तुम 100 लाइक नहीं कर पाओगे ना तो भी तुम्हें माफ किया, कभी तुम भी सोचोगे, वैसे तो मैं पाप देके जाती हूँ लेकिन आज पाप नहीं दूंगी, ठीक है, तुम भी सोचोगे कोई मैम थी जिसने हमें पाप नहीं दिया था। तो यहाँ पर आपका स्टिग्मा बिल्कुल सही आंसर है बच्चों, इसलिए आपको जो है आज मैं कुछ नहीं कहने वाली क्योंकि तुम्हारे आंसर सही आ रहे हैं, ठीक है। चलो तुम लाइक नहीं कर रहे हो, एटलीस्ट आंसर तो सही कर रहे हो। चलिए तो ए इज द राइट आंसर, स्टिग्मा इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चले, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, नर और मादा, ठीक है, नर और मादा लैंगिक कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं, द मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स फ्यूज द फॉर्म एज, कहा जा रहा है जो मेल है, मेल में आपका क्या आएगा, स्पर्म, ठीक है, ये क्या है, ये जो है आपका मेल सेल है, और यहां से आपका क्या आएगा बच्चों, अगर फीमेल सेल की बात करें ओवम, ये दोनों मिलेंगे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, क्या होगा जी, निषेचन होगा, क्या बनेगा जल्दी से, निषेचन होगा, क्या बनेगा जल्दी से, क्या बना दोगे, यस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बच्चों, जाइगोट, यस, ये जाइगोट बनेगा, और ये कहाँ रहेगा, 9th मंथ तक, 9 महीने तक कहाँ रहेगा, माँ के यूटरस में रहने वाला है, ठीक है। तो जब एक स्पर्म सेल एक ओवम सेल मिलेगी तो यहाँ क्या बनेगा, जाइगोट, ठीक है, युग्मनस, बिल्कुल सही आंसर है, जाइगोट। और बच्चों फिर जब इस जाइगोट में ऑर्गन बनने लगेंगे, अंग बनने लगेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, फिर वो बच्चों एम्ब्रियो बन जाता है, भ्रूण बन जाता है, ये भी आपको याद रखना है, डन मामला। चले आगे, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं इसी तरीके से, ठीक है। अब देखो मैंने कह दिया आज लाइक मत करना तो सच में निकम्मे नहीं करेंगे। चलो नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, आपका कौन सा बॉडी पार्ट बच्चों खराब हो जाता है तब आपको डायलिसिस लेना पड़ता है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा आपका बॉडी ऑर्गन है डायलिसिस का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी मरीज को गंभीर परेशानी हो, जल्दी से बताइए, कौन सी ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ जाएगी बच्चों कि आपको डायलिसिस लेना पड़ेगा। डायलिसिस में अगर मैं बात करूं आप क्या करते हैं बच्चों, तो देखो क्या किया जाता है, ये मान लो बॉडी है, ऐसे नहीं होती बॉडी, ठीक है, ये मान लो एक पर्सन की बॉडी है बच्चों, यहां से खून निकाला जाता है, यहाँ एक मशीन होती है, वहां फिल्टर किया जाता है, जो हमारी किडनी क्या करती है, यूरिन, यूरिन में सारी चीजें निकालती है, जो भी डस्ट जो यूरिया वगैरह होता है, तो ये क्या करता है, ये यहाँ से निकालता है, और फिर बच्चों यहाँ से क्या होता है, खून वापस चढ़ा दिया जाता है। अब सोचो कितनी जो है बुरी हालत होती होगी, इसीलिए मैं कह रही थी बच्चों प्लास्टिक से दूर रहो, क्योंकि अगर प्लास्टिक आपके ब्लड में मिला तो सबसे पहले खराब होगी किडनी, और बच्चों ये किडनी अगर खराब हो जाती है तो जो जिस इंजेक्शन के थ्रू खून निकाला जाता है और जिस इंजेक्शन के थ्रू ये खून वापस डाला जाता है उससे उसका बहुत बुरा हाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है किडनी, ठीक है, अगर किडनी खराब हो गई तो डायलिसिस पे इंसान को रख दिया जाता है, जो काम हमारी किडनी करती है फिर वो एक मशीन होती है वो करने लगती है, इसीलिए मैंने कहा है कि बच्चों प्लास्टिक से दूर रहना आप, ठीक है, जितना हो सके प्लास्टिक से दूर रहना, जो आपका लंच बॉक्स है, जो भी है, वाटर बॉटल है, सब स्टील का रख लो, ठीक है, छोड़ो प्लास्टिक, क्या रखा है उसमें। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, एक व्यक्ति एनीमिक कहा जाता है यदि उसके शरीर में किसकी कमी होती है, पर्सन इज सेड टू बी एनीमिक इफ हिज बॉडी हैज डेफिशिएंसी ऑफ, बताइए, एक जो है इंसान को हमने नाम दे दिया एनीमिक, तो उसमें किस चीज की कमी रही होगी कि उसका नाम एनीमिक रखना पड़ा, किस चीज की, WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, RBC यानी रेड ब्लड सेल्स, कैल्शियम एंड फॉस्फेट या विटामिन की कमी रही होगी कि उसका नाम पड़ा है
एनेमिक, आज ही आपके बैच में पढ़ाया है, आज ही आपके बैच में पढ़ाया है। तुम खुद देखो, रोज इस प्लास्टिक के बोतल में पानी रहती थी, मैं कितनी बार पीती थी, लेकिन आज मैंने बस एक बार पिया है, थोड़ा धीरे धीरे छोड़ूंगी और कल से मैं स्टील की बोतल लाना शुरू करती हूँ, ठीक है? तो जितना आप मैंने अगर एक स्टेप उठाया तो आप सब उठाइए, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर हम बात करें बच्चों, तो देखो खून में सबसे बड़ा काम होता है आरबीसी, क्योंकि आरबीसी में है आपका हीमोग्लोबिन। आरबीसी की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी खून की कमी, ठीक है? किसकी कमी? खून की कमी। और खून की कमी को हम क्या कहते हैं? अनेमिया कहते हैं। तो यहाँ पर आरबीसी इज द राइट आंसर, ठीक है? बी इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, बी इज द राइट आंसर, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए लाइक करते चलेंगे भाई बच्चों, ठीक है? अब मैंने कह दिया तो तुम बिल्कुल नहीं करने वाले है ना। चलिए अब आपसे पूछा जा रहा है, अगर जो ग्लिसरॉल है उसके संयोग से लिपिड बनते हैं, ये सारे बच्चों लिपिड्स दिए हुए हैं, फैट दिए हुए हैं, ठीक है? वसा कह लो, हिंदी वाले बच्चे वसा। तो कहा जा रहा है लिपिड्स आर फॉर्म्ड व्हेन ग्लिसरॉल कंबाइंस विथ, बताइए जब बहुत सारे क्या होंगे जो है ग्लिसरॉल मिलेंगे तो क्या बनेगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। जल्दी से आंसर कीजिए, क्या बनेगा? जल्दी से, जल्दी जल्दी। आयुष, चलो क्या आंसर आएगा? यस, चलिए, हाँ बिल्कुल सही आंसर किया है अमन ने, बिल्कुल सही आंसर किया है अमन ने, फैटी एसिड इज द राइट आंसर, ठीक है? फैटी एसिड, यहाँ पर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, फैटी एसिड में कोई गलती गलत नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है? ठीक है पम्मी, बिल्कुल सही है पिंटू, जितने बच्चे फैटी एसिड, सी सी सी, बिल्कुल सही आंसर है, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट पूछा जा रहा है जेनेटिक्स के डिसीज कौन है, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है बच्चों? जिसमें आप जीन की स्टडी करते हैं कि भाई जैसे क्या होता है, जब मम्मी पापा की हाइट लंबी होती है तो होने वाला बच्चा भी लंबा होगा, ठीक है? और देखो आप अगर एक बात नोट करेंगे तो जो हम इंडियन है, जो हम भारतीय है, हमारी हाइट बच्चों क्या हो रही है? कम हो रही है, धीरे धीरे हमारी हाइट देखो कम होती जा रही है, चाहे आप गर्ल्स की बात कर लो, ठीक है? गर्ल्स के कंपेयर में गर्ल्स की कम होती जा रही है और बॉयज के कंपेयर में बॉयज की कम होती जा रही है, उसके पीछे भी रीजन है, ठीक है? ये भी मैं एक दिन वीडियो लाने वाली हूँ कि जो भारतीय है इनकी जो लंबाई है, इनका जो कद है वो निरंतर कम क्यों हो रहा है, ठीक है? अब अगर हम बात करें बच्चों कि ये क्या होता है, तो इसमें जीन के बारे में पढ़ते हैं कि भाई जो हमें हमारे बुजुर्गों से, हमारी जो है जो जनरेशन रही हो उनसे मिलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। और इसके फादर कौन है? मेंडल, ठीक है? बिल्कुल सही आंसर है ए, बिल्कुल सही आंसर है। इन्होंने बच्चों मटर के पौधे पे पहला एक्सपेरिमेंट किया था, याद रखना, किसके पौधे पर? मटर के पौधे पर। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कौन सा अंग क्या है अवशेषी नहीं है, ठीक है? आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से वेस्टाइजियल, ठीक है, वेस्टाइजियल कौन सा नहीं है। देखो अवशोषी अंग का मतलब बच्चों जो है तो आपकी बॉडी में लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो कौन सा ऐसा है कि जिसकी जरूरत आपको है, यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑर्गन है, ठीक है, हालांकि वो आपके पास नहीं है, मैं मानती हूँ कि भगवान ने थोड़ी सी कमी दे दी आपको उसकी, लेकिन कोई नहीं, आप कोशिश करिए कि क्या आंसर है। जल्दी से निधि, जल्दी से, मुझे बढ़ाना हाइट, मैं क्या करूं बच्चों? देखो मैं बताऊंगी, ठीक है? जिस दिन मैं क्या करूंगी, जिस दिन मैं इस पे वीडियो लेके आऊंगी उस दिन मैं बताऊंगी, ठीक है, कि क्या दिक्कत हुई है, क्यों हमारी हाइट, हमारी इंडियन की हाइट कम होती जा रही है, हम क्या सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चों, तो देखो विजडम टूथ, जो अकल के दांत आते हैं वो आए ना आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स आपकी बड़ी वाली आंत में बच्चों, ऐसे आपकी बड़ी वाली आंत होती है, यहाँ पर ऐसे लगा होता है एक जो है टुकड़ा सा होता है, वो रहे ना रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कई बार सूजन आ जाती है, उसे कट करके निकाल भी दिया जाता है, ठीक है? ईयर मसल्स कोई ज्यादा जरूरी नहीं भी रहेगी तो भी आप जी जाएंगे, लेकिन बच्चों अगर तुम्हारे पास ब्रेन नहीं होगा ये अलग बात है, आपके पास हो ना हो, पर बच्चों ये नहीं रहेगा तो काम खराब है, ये नहीं रहेगा तो मामला खराब है, ठीक है? तो इसलिए आपको रहना है कि ये जो है आपका क्या है, बहुत जरूरी अंग है, ठीक है जी? चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या है, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है एलाइजा, बच्चों एलाइजा हम किस लिए, ये एक एलाइजा एक टेस्ट है, ये टेस्ट किस लिए कराया जाता है, कोई मुझे बता सकता है? एलाइजा एक टेस्ट है, ये किस लिए कराया जाता है, कोई मुझे बता सकता है? जल्दी से, जल्दी जल्दी करे, बॉर्न बीटा पियो। चलो ठीक है, जल्दी से आंसर बताएंगे, जल्दी से आंसर बताएंगे,
लेकर एक गजब बेइज्जती। अरे रुको तुम, है आपस में बेइज्जती करते रहना। अच्छा वो आपकी क्लास ऑफलाइन नहीं है ना, नहीं तो उसके बाल तुम्हारे हाथ में और उसके बाल तुम्हारे, ऐसे एक दूसरे के बाल पकड़ के खड़े होते तुम। चलो जल्दी से आंसर बताओ क्या आंसर है। तो बच्चों ये एलाइजा टेस्ट किया जाता है जब किसी इंसान को देखना होता है कि उसे एड्स, वो HIV पॉजिटिव तो नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है सी है ना। हाँ सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि बच्चों टू टेस्ट टू डिटेक्ट एड्स, ठीक है, कि किसी को एड्स है या नहीं है ये जानने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, एलाइजा, ठीक है एलाइजा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि इनमें से किसमें पोटेशियम ज्यादा मात्रा में होगा। ठीक है यहाँ पर कई सारे जो है फल दिए गए हैं, ठीक है अमरूद सेब केला अनार, ठीक है अनार की इंग्लिश देख रहे हो कितनी भारी है, ठीक है मुझे तो पहली बार देखी मैंने, तो पहले मुझे बताओ जल्दी से आप बच्चों आप कि आपसे पूछा जा रहा है कि इन सब में सबसे ज्यादा पोटेशियम किसके पास पाया जाएगा, इन सब में सबसे ज्यादा पोटेशियम किसके पास पाया जाएगा, फटाफट आंसर करिए। इन सभी में सबसे ज्यादा पोटेशियम किसके पास पाया जाएगा, जल्दी से आंसर कर दीजिए जल्दी से। हाँ 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल ऐसे याद रखना AIDS, ठीक है, और यहां से उठाओ इसे मानना कि वन, ठीक है 1 दिसंबर, यहीं से आई को वन बना देना और डे इसके पीछे ही रहता है, जल्दी बताओ जल्दी। हाँ बनाना इज द राइट आंसर बच्चों, बनाना में सबसे ज्यादा पोटेशियम पाया जाता है, रिच होता है, ठीक है इसमें भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, बनाना इज द राइट आंसर, ठीक है जी। चले आगे, बिल्कुल सही आंसर है भाई, बिल्कुल ठीक बता रहे बच्चे, बनाना इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है पोलियो के खिलाफ, देखो मैंने उस दिन एक ट्रिक पढ़ाया था उस ट्रिक का यूज करना। पोलियो के खिलाफ पहला जो टीका बनाया गया था बच्चों वो किसके द्वारा बनाया गया था, पोलियो का, पोलियो की जो वैक्सीन आई थी वो किस साइंटिस्ट के द्वारा बनाई गई थी, और हमने एक ट्रिक याद की थी, ठीक है, और वो ट्रिक किसने बताया था, कूल बॉय ने बताया था, और उसके लिए तालियां भी बजी थी क्लास में कि जो पोलियो है बच्चों, इस पोलियो का जो टेस्ट है वो हमने कहा था कि सॉल्टी है, ठीक है। अब ये बताओ किसके, कौन से साइंटिस्ट से ये थोड़ा सॉल्टी सा वर्ड मिल रहा है, ठीक है ऐसे हमने याद किया था, बिल्कुल विक्रम बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने ऐसे याद किया बच्चों कि सॉल्टी और हमने सॉल्क, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जोनस सॉल्क आपका यहाँ पर क्या आंसर है, बिल्कुल जोनस सॉल्क को आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। इस तरीके से ट्रिक से हमने याद किया था, अगर आपको याद हो तो, है ना, जोनस एंड सॉल्क आपका बिल्कुल सही आंसर है, यस बिल्कुल निधि बिल्कुल ठीक है। चलिए ठीक है ओके, अब हम आगे चले जल्दी से आ जाओ। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द माइक्रो न्यूट्रिएंट। देखो आपके पास दो चीजें होती हैं बायो में, बहुत बार बता रखा है, एक है माइक्रो बच्चों और दूसरा टर्म है मैक्रो। अगर मैक्रो की बात करूं तो जो बहुत ज्यादा मात्रा में आपके बॉडी को चाहिए, और माइक्रो का मतलब जो बहुत कम चाहिए तो भी चल जाएगा। तो बताओ प्रोटीन बहुत कम खाओगे तो चल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट बहुत कम खाओगे तो चल जाएगा, फैट बहुत कम खाओगे तो चल जाएगा, या आयोडीन आप अगर माइक्रो लेते हैं तो चल जाएगा, क्या सही है जल्दी बताइए। अच्छा ऐसा क्या हो गया निधि। चलिए क्या आंसर सही आएगा, क्या आंसर सही आएगा, यस यस बच्चों तो आयोडीन आपका सही आंसर। अगर आयोडीन आप कम मात्रा में लेते हैं, अगर आयोडीन आप कम मात्रा में लेते हैं तो भी जीवन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, तो आयोडीन इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है यहाँ पर आपका आयोडीन बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है यस यस विपिन ठीक है बिल्कुल सही आंसर है आयोडीन बिल्कुल, ठीक है सलमा बिल्कुल सही आंसर है, आयोडीन इज द राइट आंसर, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे चले, फिर आगे चले आ जाइए, तो डी आपका यहाँ पर बिल्कुल क्या है सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है माइकोलॉजी हम किसके स्टडी को कहते हैं। बच्चों ये देखो बार बार आपसे इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने कैसे कहा था कि माइको से याद रखना है माइका, अब जल्दी से बताओ किसका माइका भाई, मैंने याद करवाया था कि मान लेना माइको से मानना माइका, और किसका माइका आपके जो है वायरस का, फंगी का, ह्यूमन सेल का, बैक्टीरिया का, किसका, जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल राजकुमार पोलियोडियम बिल्कुल सही बताया आपने, यस बच्चों तो याद रखना फंगी का माइका, ठीक है तो इसी से याद रखना फंगी की स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है जी ओके डन। अच्छा हाँ PDF रहती है, चलिए कोई नहीं बच्चों डलवाती हूँ मैं, ठीक है उसके लिए सॉरी है,
ठीक है, पक्का डलवा दूंगी आज। ओके चलो, जो भी रहती है साइंटिफिक नेम वगैरह वाली डलवा दूंगी, डोंट वरी। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि जो बच्चों रणवीर नोड्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। ये आपके बच्चों, अगर मैं बात करूं तो न्यूरॉन में पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपके कहाँ पाए जाते हैं, तो बच्चों ये आपके न्यूरॉन में पाए जाते हैं। न्यूरॉन में कहाँ पाए जाते हैं ये आप बता दो, न्यूरॉन में कहाँ पाए जाते हैं ये आप बता दीजिए जल्दी से जल्दी से। न्यूरॉन में कहाँ पाए जाएंगे ये जो रणवीर नोड है बच्चों, ये न्यूरॉन में कहाँ पाए जाएंगे, मैंने पढ़ाया है, ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। यस, बहुत अच्छा विक्रम, बहुत अच्छा मानसी, तुम ही हो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं बच्चे। यहाँ पर आपका मेलिन सीथ जो आपका आंसर है, यानी आपका मेलाइनेटेड एक्सॉन्स आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर है बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, जिन पौधों में विभेदित भाग शरीर नहीं होता है उसे कहा जाता है, मतलब जिसमें आप उसमें डिफ्रेंसिएट ना कर पाए कि किसका कौन सा रूट है, इसका कौन सा स्टेम है, कौन सा इसकी लीफ है, वो कौन से ग्रुप के पौधे होते हैं, जल्दी 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 जल्दी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, टाइम से आया करो क्लास में बच्चे, 5 बजे से क्लास होती है। देव यादव जी कह दिया ना पीडीएफ डलवा दूंगी, हाँ अभी यहां से पीपीटी से निकाल के फेंक दूं, बताओ डलवा दूंगी, अब कह दिया पक्का डलवा दूंगी भाई, जल्दी से फटाफट क्या आंसर है। चलिए अमन बिल्कुल सही आंसर है, यहाँ पर बच्चों उसे थैलोफाइटा कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, थैलस लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसे देखकर आप अलग अलग क्रिएट नहीं कर सकते हैं, वो आपके थैलस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थैलोफाइटा उन्हें कहेंगे, ब्रायोफाइटा नहीं कहेंगे बच्चों। ब्रायोफाइटा क्या होते हैं, जो आपके लैंड पर भी हो जाए और जो आपके वॉटर में भी उग जाए, जो क्या होते हैं, जिन्हें हम एम्फीबियन कहते हैं, ठीक है, कि भाई लैंड पर भी उग जाएंगे, वॉटर में भी उग जाएंगे, लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो थैलस आपका बिल्कुल सही आंसर है, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके चलिए, ओके ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट चले। क्या नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि जो थायरोक्सिन है बच्चों, इसके संश्लेषण के लिए, इसके सिंथेसिस के लिए क्या बहुत ज्यादा जरूरी है, पोटेशियम, कैल्शियम, आयोडीन, सोडियम, ठीक है। Which of the following is the initial essential for the synthesis of thyroxine? Thyroxine के बनने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है इनमें से, जल्दी। हाँ thallophyta बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल amphibians होते हैं, ये भी बिल्कुल सही बताया बच्चे ने। चलिए आंसर आया है आयोडीन, ठीक है, चलिए आंसर आया है आयोडीन, जी जी ठीक है, ओके चलिए, ओके ओके ओके। तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्या आंसर सही है, तो आयोडीन इज द राइट आंसर, ठीक है, यहाँ पर बच्चों आयोडीन, ठीक है, आयोडीन क्या होता है, जो है आपकी जो यहाँ पे थायरोक्सिन है उसके निर्माण में सहायता करता है, ठीक है, लेकिन ये आपको बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, बहुत कम मात्रा में चाहिए। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, स्वाद का पता लगाने के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जो स्वाद का पता लगाते हैं बच्चों, जो किसका पता लगाते हैं, टेस्ट, टेस्ट का, जो तुम्हें स्वाद आता है वो किसके थ्रू आप पता लगाते हैं, जल्दी से बताएंगे, ठीक है, हर चीज में आपको स्वाद चाहिए, हर खाने में, तो वो किस चीज, उस किस चीज से आप पता लगाते हैं, जल्दी बताइए, बताओ फटाफट आंसर करो, जल्दी से आंसर करो, और लाइक कर देंगे, ठीक है, 100 लाइक तो कर दो एटलीस्ट, हाँ जल्दी 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 से, ओल्फैक्टरी से बच्चों अगर हम बात करें, जल्दी 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 आंसर करेंगे, चलो फटाफट फटाफट जल्दी से। तो देखो बच्चों, ऑल्फैक्टरी से यहाँ स्मेल का पता लगता है, ठीक है, ऑल्फैक्टरी से स्मेल का पता लगता है, अगर आप जो है स्मेल का पता लगाना चाहते हैं तो, ठीक है, वो आपके ऑल्फैक्टरी से पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर आपका डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर जाते हैं जल्दी से। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, मानव में क्या है जो पुरुषों को, मानव पुरुषों में मूत्र और शुक्राणु दोनों के लिए एक सामान्य मार्ग होता है। आपसे पूछा जा रहा है, फॉर्म अ कॉमन पैसेज फॉर द बोथ यूरिन एंड स्पर्म
इन विच मेल्स, आपसे पूछा जा रहा है कि जो मेल होते हैं बच्चों, मेल में जो स्पर्म होता है और यूरिन दोनों को निकालने के लिए एक ही ट्रैक होता है, एक ही रास्ता होता है। स्पर्म और बच्चों क्या होता है, यूरिन दोनों एक ही ट्रैक से बाहर आते हैं, तो पूछा जा रहा है उस ट्रैक का नाम क्या है, आप ओविडक्ट, यूरेक्टर, यूरेथ्रा या आपका वॉस डिफरेंसिया, बताइए क्या आंसर सही है। जो मेल होते हैं उनमें यूरिन और स्पर्म दोनों बच्चों सेम रूट से बाहर आता है, तो उसे क्या कहा जाता है, जल्दी से जल्दी से। चलिए यूरेथ्रा, यूरेथ्रा आंसर आने लगा है यहाँ पर, सी ऑप्शन के साथ बच्चे जाना चाह रहे हैं। चलिए तो बच्चों बिल्कुल सही आंसर है कि जो मेल होते हैं उनमें यूरिन भी और स्पर्म भी सेम सेम ट्रैक के थ्रू बाहर निकलता है, जिसे हम कहते हैं यूरेथ्रा, ठीक है। जबकि फीमेल में दोनों अलग अलग है बच्चों, पर यहाँ पर मेल में जो है ये एक सेम ट्रैक होता है, सेम जो है मार्ग होता है, ठीक है। चलिए तो यूरेथ्रा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक फूल के केंद्र में मौजूद होता है, इनमें से जो है सेंटर ऑफ फ्लावर कौन सा मौजूद होगा, जल्दी से बताइए। ये तो पंखुड़ियां तो बच्चों कोई बताना मत, पंखुड़ी तो हमेशा फूल के बाहर लगी होती है, ठीक है, पंखुड़ी तो हमेशा फूल के बाहर लगी होती है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, जो फूल के केंद्र में मौजूद हो उसे हम क्या कहेंगे, जो फूल के केंद्र में मौजूद हो उसे हम क्या कहेंगे, जल्दी से जल्दी जल्दी आंसर करेंगे भाई। बिल्कुल बच्चे, फीमेल में ओविडक्ट पाया जाता है, जिसे ओविडक्ट को ही हम फलोपियन ट्यूब कहते हैं ओम प्रकाश, ठीक है, फलोपियन ट्यूब को ही हम ओविडक्ट भी कहते हैं। यस यू आर राइट। क्या आंसर है, क्या आंसर है, तो बच्चों यहाँ पर जो बिल्कुल सही आंसर वो आपका है कार्पेल्स, ठीक है, ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा शरीर का मुख्य सोच वाला अंग है। देखो हम ब्रेन से सोचते हैं, कोई भी हम थिंकिंग करते हैं, हम कुछ भी सोच विचार करते हैं तो वो ब्रेन से करते हैं, लेकिन बच्चों ब्रेन के भी बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे हिंड ब्रेन, सेरेबेलम, मिड ब्रेन, तो आपसे पूछा जा रहा है, और फोर ब्रेन, तो आपसे पूछा जा रहा है जो आप थिंकिंग करते हैं, ठीक है, जो आप सोचते हैं, जो आप थिंकिंग करते हैं, सोचने का काम है, ये किसका है बच्चों, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या आंसर सही लग रहा है आपको, अमन डी, चलिए और कोई, और कोई, डी फोर ब्रेन, चलिए और कोई, ओके ठीक है। चलिए तो अगर यहाँ बात करें बच्चों, तो इसका ये सोचने का काम होता है सेरेबैरम का, ठीक है, सोचने का काम है सेरेबैरम का, और बच्चा सेरेबैरम इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, ठीक है, इसलिए हमारा यहाँ पर अग्र मस्तिष्क जो आगे वाला ब्रेन है वो आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, फोर ब्रेन इज द राइट आंसर, ठीक है। अब फोर ब्रेन सही इसी बात पे फिर से लाइक कर दो, ठीक है, जो फोर ब्रेन है वो सही आंसर इसी बात पे फिर से लाइक कर दो, जल्दी से लाइक कर देंगे फटाफट, फिर से जल्दी जल्दी, यस। चलिए ठीक है आगे चले, चलो तो डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से मनुष्य में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मैन, ठीक है, मैन में बच्चों पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है, उनका प्रोस्टेट, टेस्टिस, वॉस डिफरेंस या उनका सेमिनल वेस्कल्स, बताइए क्या आंसर सही है, क्या आंसर सही है। जल्दी फटाफट क्या आंसर, इसका क्या आंसर सही आएगा कि उनका बच्चों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है, जल्दी, टेस्टिस, 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 सही आंसर आना शुरू हो गया है मेरे पास, ठीक है, टेस्टिस यानी जिसे बच्चों हम क्या कहते हैं, वृषण भी कहते हैं, ठीक है। चलिए तो अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे सही आंसर क्या है, तो बिल्कुल बच्चों टेस्टिस जो है यहाँ पर आपका, ये इनका सबसे प्राइमरी ऑर्गन है, ठीक है, टेस्टिस इज द राइट आंसर, ओके बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ओके चलिए, कह रहे मैम एक बार कर दिया दोबारा करेंगे तो आपको ही प्रॉब्लम हो गया, अरे नहीं प्रॉब्लम मत करना है, तुम तो अपने हो, अपने ही प्रॉब्लम कर दोगे, चलो प्रॉब्लम नहीं करना भाई, रुक जाओ तुम। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है बच्चों कि जो पौधों में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, अमीनो एसिड, स्टार्च, फैटी एसिड, फैट्स, जल्दी से। जो हम में देखो हम में किस चीज में स्टोर होता है, ग्लूकोज के रूप में, कार्बोहाइड्रेट, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें किस किस रूप में स्टोर होगा, जल्दी से, विपिन, टेस्टिस इज द राइट आंसर, जल्दी से आंसर करेंगे, अमन का आंसर आए स्टार्च, यस अमन यू आर राइट, और कोई,
स्टार्च स्टार्च स्टार्च, चलिए बिल्कुल बच्चे इनका जो है स्टार्च में होगा, ठीक है आपका भी बिल्कुल यहां पर क्या है सही आंसर, ठीक है स्टार्च इज द राइट आंसर। ओके चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन थे जल्दी जल्दी करेंगे। आपसे पूछा है डैश मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, बताओ बच्चों ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, मतलब उसमें डक्ट पाया जाएगा, ठीक है उसमें डक्ट प्रेजेंट है, बताइए किसमें है, पिट्यूटरी में, पिनियल में, या आपके जो है एड्रेनल में, या आपके लिवर में। जल्दी जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे क्या सही है। जल्दी से लीवर लीवर लीवर, बिल्कुल बच्चों लीवर में बच्चों डक्ट पाई जाती है और ये आपकी क्या है ये बच्चों ये आपकी हम कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है ये आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो आपका यहाँ पर डी इज द राइट आंसर, ठीक है डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है शरीर में ऊतकों की वृद्धि विकास और सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण, सीधा आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपके बॉडी की ग्रोथ करवाता है, जब आप बच्चे होते हैं तब आपके बॉडी की ग्रोथ हो रही होती है उस टाइम आपको सबसे ज्यादा जो है क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, विटामिन चाहिए, क्या चाहिए जल्दी से। आपके बॉडी के ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा, इसीलिए हम इसे बॉडी बिल्डिंग ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। जल्दी जल्दी प्रोटीन 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 आंसर आना शुरू हो गया और मैं कहना चाहूंगी प्रोटीन इज द राइट आंसर। बच्चों जो प्रोटीन है, अगर हम प्रोटीन की बात करें बच्चों तो ये जो प्रोटीन है ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्यों सही आंसर है, क्योंकि आपके बॉडी की ग्रोथ कौन करवा रहा है तो वो प्रोटीन है, आपके बॉडी की ग्रोथ करवाने वाला कौन महान है वो है प्रोटीन, ठीक है ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट आपने पूछा जा रहा है प्रोटीन के उत्पादन में मूल है, ठीक है जल्दी से बताइए प्रोटीन में क्या, प्रोटीन किससे बनता है आपके अमीनो एसिड डीएनए आरएनए नाइट्रोजन, बताइए प्रोटीन किससे बनता है, मुझे लगता है हर किसी बच्चे को मैंने कई बार बताया होगा कि प्रोटीन किससे बनता है, जल्दी से विपिन प्रोटीन किससे बनता है, जल्दी से शोभा जल्दी से क्या आंसर है इसका, शोभा जल्दी से बताएंगे, ऋषु विक्रम चलिए विक्रम का आंसर आ गया है। तो बच्चों आपको याद रखना है जब 20 20 अमीनो एसिड इस तरीके से जुड़ते हैं, जब 20 अमीनो एसिड इस तरीके से जुड़ते हैं किस तरीके से ऐसे बॉन्ड बनाते हैं, कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, पेप्टाइड, कई बार बता रखा पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, तब जाके आपका अमीनो एसिड तैयार जो है आपका प्रोटीन तैयार होता है, ठीक है तो यहाँ पर आपका अमीनो एसिड इज द राइट आंसर, अमीनो एसिड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है प्रोटीन बनाने के लिए कितने आवश्यक अमीनो एसिड चाहिए, बिल्कुल अभी बताया है, अब यहीं से पता चलेगा कि कौन सा बच्चा मेरी बातों पर ध्यान देता है, बिल्कुल अभी बताया है कि एक प्रोटीन बनने के लिए लगभग कितने अमीनो एसिड होने चाहिए, एक प्रोटीन बनने के लिए लगभग कितने अमीनो एसिड होने चाहिए, बिल्कुल बच्चों 20 अमीनो एसिड होने चाहिए और जिसमें से 11 क्या है, 11 आपके बच्चों नॉन एसेंशियल है और 9 आपके एसेंशियल है, ठीक है 11 ऐसे जो आपकी बॉडी में खुद पाए जाएंगे और 9 ऐसे बच्चों जो आपकी बॉडी को बाहर से लेना पड़ेगा, ठीक है तो यहां पर आपका 20 20 ठीक है 20 इज द राइट आंसर। हाँ क्या हो गया मनीषा भाई मुंह क्यों बना हुआ है, तो 20 यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक लिया जाता है, आपसे सीधा पूछा जा रहा है बच्चों जब आप बीमार होते हैं, जब आप बीमार होते हैं और आप डॉक्टर पे जाते हैं, आप बीमार हो गए आप कहाँ गए, आप डॉक्टर पे गए तो सबसे पहले वो तुम्हें क्या देगा, तुम्हें प्रोटीन खिला देता है भाई घोल प्रोटीन पिला दे, या तुम्हें विटामिन कहता है कि ले विटामिन की गोलियां खा, या आपको सुक्रोज देता है या आपको ग्लूकोज चढ़ाता है, बताओ अगर आप बीमार हैं तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, ठीक है और इसी बात पे फटाफट लाइक करेंगे, इसी बात पे फटाफट लाइक करेंगे कि डॉक्टर क्या करता है, ठीक है जल्दी बताओ। यस बच्चों सबसे पहले वो ग्लूकोज चढ़ाता है क्योंकि ग्लूकोज से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, ठीक है तो अगर आपको एनर्जी मिली है तो जल्दी से 100 लाइक आ जाना चाहिए, ठीक है फटाफट 100 लाइक कर दो, चलो जल्दी से बच्चा पार्टी जल्दी 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 करेंगे, ठीक है
जल्दी जल्दी तरीके से करेंगे। और शायद ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, मुझे ऐसा अभी और अच्छा। टिश्यू यूज़ा बताओ, टिश्यू क्या है, ऊतक क्या है, अ टाइप ऑफ पेपर, मेडिसिन ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, या वैरायटीज ऑफ क्लॉथ, बताइए। अगर डी ऑप्शन किसी ने कर दिया ना, मतलब साइंस छोड़ देना तुम, ठीक है, साइंस छोड़ देना, बायो छोड़ देना, नहीं जो एरिस्टोटल है वो रोएगा, उसकी आत्मा रो जाएगी, ठीक है। क्यों? अगर तुमने डी आंसर कर दिया बच्चों, ठीक है, अगर तुमने टिश्यू बता दिया कि वह टिश्यू एक कपड़े का प्रकार है, ठीक है, तो इससे मैं कहूंगी इससे दुख भरा दिन कहीं नहीं होगा। जल्दी से जल्दी जल्दी आंसर करो, जल्दी जल्दी, चल। यस यस, बिल्कुल सही बच्चों। जो टिश्यू है ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, ठीक है, ये क्या है, ये कोशिकाओं का समूह है बच्चे, बिल्कुल सही आंसर है, ग्रुप ऑफ द सिमिलर सेल। यस बिल्कुल मनीष, पिंटू, फरीन, विपिन, बिल्कुल सही आंसर है बच्चे, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर इसी बात पे फटाफट लगा दो। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है आपके बॉडी में कितने परसेंट पानी है। बच्चों इस टाइम गर्मी बहुत है, जितना पानी आप पी सकते हो उससे ज्यादा पीजिए, जितना आपको लगता है कि आप इतनी इतना पानी पी सकते हो उससे ज्यादा पीजिए। क्यों ज्यादा पीना है बच्चा? इसलिए ज्यादा पीना है क्योंकि जो पानी है वो आपको डिहाइड्रेट नहीं होने देगा, आप हाइड्रेट रहिए, ठीक है। तो जल्दी से बताइए कि आप कितना पानी पियेंगे, जल्दी से बताइए कितना पानी आपके बॉडी में होना चाहिए, जल्दी से। यस अमन यू आर राइट, ओम प्रकाश बिल्कुल, विक्रम बिल्कुल सही है, अमन बिल्कुल सही है, आपकी बॉडी में बच्चा लगभग 80% पानी होना चाहिए। तो बच्चों प्रॉमिस, दो प्रॉमिस आज मेरे से करोगे कि मैम प्लास्टिक जितना कम होगा उतना कम यूज करेंगे, लंच तो जिसमें गरम गरम लंच पैक करते हैं वो तो बिल्कुल ही फेंक देना है, ठीक है, आज ही फेंक दो उसे, बिल्कुल नहीं यूज करना है। और दूसरा आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, ठीक है। चलिए और भी है क्या, चलो अब ये लास्ट करते हैं, ठीक है बच्चों, अब इसमें तुम आंसर कर देना, अब हम आपसे जो है कल मिलेंगे। ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देना कि मानव में जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस फॉर्म में टूटता है, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सुक्रोज, ठीक है, बता देना तुम, इतनी बातें तो बता ही सकते हो। और मैं चाहूंगी कि सभी बच्चे 100 लाइक कर दें, ठीक है। देखो आपको क्वेश्चंस भी करवाए मैंने, अगर गिन लेना, एक एक क्वेश्चन गिन लेना, अगर 50 नहीं होगा तो भी 40 क्वेश्चन बच्चों आपने किए होंगे, 40 क्वेश्चंस भी करवा दिए, और तुम्हें ये भी बता दिया कि प्लास्टिक कितना खतरनाक है। तो इतनी सारी बातें हमने बता ली हैं, एक दूसरे से शेयर कर दी है, तो जल्दी से सब बच्चे क्या करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है, चलिए फटाफट लाइक करेंगे। और मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगी, पीडीएफ मैंने अभी तक एक दो क्लास जो पीछे वाली हुई है बच्चों वो मैंने अपडेट नहीं करवाई है, पर मैं करवा दूंगी, ठीक है, मैं उसको करवा दूंगी। और अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो कमेंट करके जरूर बता कीजिए, यस मैम हमें ऐसी क्लासेस और चाहिए, ठीक है। तो चलो भाई अपना ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।